गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट, SPC गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर. वी वर स्टडिंग अबाउट सीक्रेटरी टिश्यूज. सीक्रेटरी टिश्यूज़ में हमने पहले एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यूज़ पढ़े, देन वी हैड स्टार्टेड विद इंटरनल सीक्रेटरी टिश्यूज़. इंटरनल सीक्रेटरी टिश्यूज़ में हमने आज पढ़ेंगे रेजिन डक्ट्स के बारे में. रेजिन डक्ट्स जो होते हैं ये अधिकतर कॉनिफरस प्लांट्स में पाए जाते हैं. शाइजोजेनस डक्ट्स होते हैं. शाइजोजेनस डक्ट्स का मतलब है कि सेल्स जो होते हैं इन डक्ट्स की कैविटी बनाने के लिए मिडिल लैमिला के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं और बीच में एक स्पेस या कैविटी बन जाती है. तो दैट इज़ दीज टाइप ऑफ डक्ट्स आर नोन एज शाइजोजेनस डक्ट्स. ये वेस्क्युलर टिश्यू में और ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं प्लांट्स के सारे पार्ट्स में. स्टेम, रूट, लीफ, सब प्लांट के सारे पार्ट्स के वेस्क्युलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं. ये जो होते हैं लॉन्ग इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं. रेजिन डक्ट्स जो हैं, वी कैन सी इन द डायग्राम, लॉन्ग इंटरसेलुलर स्पेसेस विच आर लाइंड विद एपिथेलियल सेल्स. ये यहाँ पर डायग्राम है शाइजोजेनस रेजिन डक्ट फ्रॉम TS ऑफ पाइनस लीफ. पाइनस लीफ के रेजिन डक्ट का डायग्राम है ये. हमको रेजिन डक्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ लाइंड विद एपिथेलियल सेल्स विच प्रोड्यूस रेजिन्स. समटाइम्स रेजिन डक्ट्स, कभी कभी जो रेजिन डक्ट्स जो होते हैं नॉर्मली तो प्लांट्स में प्रेजेंट होते ही हैं, लेकिन कभी कभी जब किसी प्लांट में कोई इंजरी हो जाती है, व्हेन इंजरी और वूंडिंग अकर्स, कोई घाव हो जाता है या इंजरी हो जाती है, तब रेजिन डक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं. तो इकोनॉमिकली जिनको रेजिन प्रोड्यूस करना होता है फॉर द इकोनॉमिक प्रोडक्शन ऑफ रेजिन, वूंडिंग एंड इंजरी इज प्रैक्टिस्ड इन ऑल कमर्शियल प्रोडक्शन. जहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन करना होता है रेजिन्स का, वहाँ पर इंजरी दी जाती है प्लांट्स को या वूंडिंग की जाती है प्लांट्स की, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रेजिन डक्ट्स फॉर्म होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेजिन बनता है. तो दिस इज वॉज ऑल अबाउट रेजिन डक्ट्स. नाउ वी कम टू लेटिसिफर्स. लास्ट टाइप ऑफ सीक्रेटरी टिश्यू, इंटरनल सीक्रेटरी टिश्यू इज लेटिसिफर्स. लेटिसिफर्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं. ये सारे जो हमने पढ़े रेजिन डक्ट्स और भी जो भी ग्लैंडुलर सेल्स पढ़े, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. तो लेटिसिफर्स जो होते हैं दे आर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स विथ सीक्रेट लेटेक्स. इनके अंदर लेटेक्स भरा हुआ रहता है. लेटेक्स एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है, विस्कस फ्लूड है, जो कि अधिकतर वाइट कलर का होता है. वाइट कलर का होता है, जैसे कि हम कई प्लांट्स को, कैलोट्रोपिस है, जैसे कैलोट्रोपिस को तोड़ते हैं तो लेटेक्स निकलता है वाइट कलर का. तो ये एक विस्कस फ्लूइड है जो कि लेटेक्स कहलाता है. अधिकतर सब प्लांट्स में वाइट कलर का होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर, इन सम प्लांट्स द लेटेक्स मे बी कलर्ड. कलर्ड में जैसे येलो कलर का हो सकता है या फिर कलरलेस हो सकता है. येलो कलर का लेटेक्स पाया जाता है पेपावरेसी फैमिली के अंदर. पेपावरेसी जो फैमिली होती है उसमें जो लेटेक्स होता है दैट इज़ येलो इन कलर, येलो कलर. जबकि जो पेपावरेसी एंड कैनबिनेसी, इन दो फैमिलीज़ का जो लेटेक्स होता है दैट इज़ येलो इन कलर. जबकि जो कलरलेस लेटेक्स होता है वो मोरेसी फैमिली में पाया जाता है. मोरेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर कलरलेस लेटेक्स पाया जाता है. लेटेक्स जो होता है इट इज़ अ सस्पेंशन विच कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस. एक ऐसा सस्पेंशन है जिसके अंदर कई चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि वैक्स. वैक्स होता है, मोम जैसा सब्सटेंस होता है, रेजिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं. लेटेक्स में प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, या कभी कभी लेटेक्स के अंदर
एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे पेपरवेरेसी जो फैमिली है या पेपरवर जो प्लांट है उसके जो लेट उसके अंदर जो लेटेक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनके अंदर एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं। फिर कुछ लेटेक्स या लेटिसिफर्स या लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स जैसे कि कैरी का पपैया जो प्लांट है, पपैया प्लांट जो है उसके लेटेक्स प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, पेपीन एंजाइम पाया जाता है। एन एंजाइम नेम्ड एज पेपीन इज फाउंड इन कैरी का पपैया। अब तो लेटेक्स के अंदर एल्कलॉइड्स हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं। बिसाइड बीइंग अ रिजर्व न्यूट्रिएंट, लेटेक्स एक रिजर्व न्यूट्रिएंट की तरह कार्य करता है। तो बिसाइड बीइंग अ रिजर्व न्यूट्रिएंट, लेटेक्स इज ऑल्सो ऑफ इकोनॉमिकल वैल्यू। कई जगह हम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, लेटेक्स इज ऑल्सो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मोस्ट कॉमन जो है वो है रबर प्लांट, हिविया, फाइकस। फाइकस के अंदर, रबर प्लांट के अंदर हमको इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट लेटेक्स प्राप्त होता है। पेपीन, पपैया प्लांट के अंदर से हमको पेपीन प्राप्त होता है। तो ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट लेटेक्स हैं जो कि हमको रबर प्लांट, हिविया से, फाइकस से प्राप्त होते हैं, और जो एंजाइम है पेपीन वो हमको पपैया प्लांट से प्राप्त होता है। अब ये जो लेटिसिफर्स हैं सिर्फ डाइकोट प्लांट्स में नहीं होते, कई बार लेटिसिफर्स मोनोकोट प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सीक्रेटरी टिश्यूज़। वी हैड कम्प्लीटेड विथ प्लांट टिश्यूज़, एंड प्लांट टिश्यूज़ में हमने सिंपल टिश्यूज़ पढ़े और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े, उसके बाद हमने स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ पढ़े। अब हम करेंगे टिश्यू सिस्टम। इन आर नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विथ टिश्यू सिस्टम्स। ओके, थैंक यू।